Hi guys, my name is C. Anshul Mittal and in today's video we will be covering chapter number 9 of ACCA F9 and the name of the chapter is Working Capital Management, Accounts Receivables and Payables. तो गाइज ये जो चैप्टर है ये चैप्टर काफ़ी हद तक ये चैप्टर जो है ये हमारा थ्योरी का चैप्टर है और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है ये, ठीक है। तो मतलब इसकी थ्योरी हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है और हर चीज़ को अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है, हमें किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं मारना, हमें हर चीज़ समझनी है कि ऐसा क्यों बोला गया और इसका पर्पस क्या है। बिकॉज जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि दिस इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को हमें प्रैक्टिकली पढ़ना है ताकि हम जब भी इसका कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी तरीके का हम उसका आंसर दे सकें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, कई क्वेश्चंस हमारे ऐसे आते हैं जहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे को जो बुक में दिया हुआ है वैसे आंसर निकल जाता है, कई जगहों पे हो सकता है कि हमारे को आंसर अलग तरीके से निकालना हो लॉजिकली। तो सिंपल सी बात ये है कि हमें अपने लॉजिक्स बिल्कुल क्लियर रखने हैं हर चैप्टर में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो गाइस, अब हमारा टॉपिक आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। वर्किंग कैपिटल मतलब जो हमारा डे टू डे मैनेजमेंट होता है उसका जो फाइनेंस होता है वो मैनेज करना, और उसको मैनेज करने के लिए हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि इन्वेंट्री से रिलेटेड कैसे हम अपनी कॉस्ट को कवर कर सकते हैं, कॉस्ट कम कर सकते हैं। वैसे अब हम देखते हैं कि अकाउंट्स रिसीवेबल बेसिकली पीपल टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिनको हमने क्रेडिट पे गुड सेल किए थे अब उनसे हमें पैसे आने हैं, तो उन लोगों के लिए हमें क्या पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्या देखना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे हम इनसे अपनी कॉस्टिंग कम कर सकते हैं और हमें बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो देखो, अब अकाउंट्स रिसीवेबल में द ऑप्टिमम लेवल ऑफ ट्रेड क्रेडिट, अब हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है कि कितने दिन की हमें इनको उधारी देनी है। मतलब जैसे अगर कोई मुझसे सामान परचेज करता है तो मैंने बोला कि विद इन 30 डेज आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, या विद इन 60 डेज पेमेंट करनी पड़ेगी, या विद इन 90 डेज पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये डेज कौन से डेज हमें सिलेक्ट करने हैं, दैट इज ऑप्टिमम लेवल ऑफ ट्रेड क्रेडिट एक्सटेंडेड रिप्रेजेंट बैलेंस बिटवीन टू। तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमें दो चीज़ों में बैलेंस देखना पड़ेगा। एक देखना पड़ेगा प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम सेल्स ऑब्टेन बाय अलाउइंग क्रेडिट, कि अगर हम लोगों को क्रेडिट देते हैं तो ऑफकोर्स हमारी सेल्स बढ़ती है। हर बंदा कैश में परचेज नहीं कर सकता, वो भी कई बार उधारी में परचेज करता है। तो अगर हम अलाउ करते हैं लोगों को 30 डेज का क्रेडिट तो हमें देखना पड़ेगा, लेट्स से जस्ट एन एग्जाम्पल, कि मेरी सेल्स यहाँ पर कितनी बढ़ रही है, कि अगर मैं 30 डेज का क्रेडिट देता हूँ तो मेरी सेल्स कितनी बढ़ रही है, और सेल्स बढ़ रही है दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर मैं 60 डेज का क्रेडिट दे रहा हूँ तो मेरी कितनी सेल्स बढ़ रही है और उस पर कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है, 90 डेज का क्रेडिट दे रहा हूँ तो मेरी कितनी सेल्स बढ़ रही है और तो मेरा कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो चीज़ मुझे पहली बात समझनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ही मैं देखूंगा। कि मान लो, लेट्स से मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैं 30 डेज का क्रेडिट देता हूँ तो मेरे 30-40% कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, अगर मैं कैश सेल करूँ और मैं उधारी भी अलाउ कर दूँ तो 30-40% कस्टमर्स मेरे बढ़ जाते हैं। अगर मैं 60 डेज क्रेडिट करूँ तो मेरे सिर्फ 10% कस्टमर्स ही बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, और अगर मैं 90 डेज का करूँ तो इसके ऊपर हमारे सिर्फ 2-3% ही बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा हमारे कस्टमर्स और नहीं बढ़ते। तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कौन सा बेनिफिशियल है। यहाँ से तो तुम बोलोगे कि सर यही बेनिफिशियल है, मैं बोल सकता हूँ कि शायद ये भी बेनिफिशियल हो कि 30-40% भी बढ़ रहे हैं, प्लस इसके 10% भी बढ़ रहे हैं, प्लस 2% भी बढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ हम कैसे देखेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर कैलकुलेशन होती है जो हम यहाँ पे करेंगे। सो दो चीज़ें होती है, पहला तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट हमारा कितना इम्प्रूव होगा अगर हम क्रेडिट पे अपनी गुड सेल करेंगे, एंड सेकंड द इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट अलाउड, कि मैं अगर इनको क्रेडिट देता हूँ, अगर मैं इनको क्रेडिट देता हूँ दैट मीन्स आई एम लूजिंग माई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ये नहीं है कि मेरा जो इंटरेस्ट होता है हर चीज़ में, इंटरेस्ट मतलब कि मेरा जो मुझे अच्छा लगता है, नॉट दैट इंटरेस्ट, फाइनेंस इंटरेस्ट। मतलब अगर मैं ये बोलता हूँ, जैसे हम हमेशा एक चीज़ अज्यूम करते हैं कि हमने अगर इनको गुड सेल करी थी दैट मीन्स हमने क्रेडिटर से सामान परचेज करा था, क्रेडिटर से क्रेडिट पे परचेज करा था हमने सामान, या मैं बोलता हूँ कि मैंने अगर कैश परचेज करा था तो मैंने बैंक लोन लिया था। सिंपल सी बात, हम क्या बोलते हैं, मैंने बैंक लोन लिया था, तो बैंक लोन पे मैंने इनको सामान बेचा, 30 डेज बाद मुझे पैसे आएंगे, दैट मीन्स इस लोन पे 30 डेज का मुझे और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं, अब कई बच्चे सोचेंगे सर अगर हमने अपनी पॉकेट से कैश दिया है तो
तो भी तो तुम्हारा इंटरेस्ट लूज हो रहा है ना, तुम ये पैसा कहीं और लगा सकते थे 30 डेज के लिए, तो वो 30 डेज का तुम्हारा इंटरेस्ट लूज हो रहा है। तो हम यही अज्यूम करके चलेंगे इन चैप्टर्स में कि जो भी मैंने किसी को अगर उधारी दी है तो वो पैसे मैंने खुद क्रेडिट पे लिए हैं जिस पे मेरा इंटरेस्ट लॉस होगा। तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या होता है कि मैंने अगर इनको 30 डेज का क्रेडिट दे दिया, दैट मीन्स मैं 30 डेज का अपना इंटरेस्ट लॉस कर रहा हूँ। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि 30 डेज का क्रेडिट देने के बाद जो मेरे प्रॉफिट बढ़ते हैं क्या वो मेरी कॉस्ट से ज़्यादा है या कम, जो एक कॉस्ट ऑफ क्रेडिट अलाउड इससे ज़्यादा है या कम। अगर ज़्यादा है तभी मैं 30 डेज का क्रेडिट दूंगा। अगर क्रेडिट देने के बाद मेरे प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं लेकिन मेरी कॉस्टिंग इंटरेस्ट ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है तो ऑफकोर्स मैं क्रेडिट पे नहीं दूंगा। वो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, तो बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट क्या होता है, हमें दो चीज़ों में गाइस ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ बैलेंसिंग एक्ट क्या होता है, दो चीज़ों में ध्यान रखना, वन इज़ लिक्विडिटी, अदर इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी मीन्स सबसे पहला हमें ये ध्यान रखना है कि डेटर्स को कम से कम लीस्ट पीरियड के लिए, लीस्ट पीरियड और नो पीरियड के लिए मुझे उनको क्रेडिट देना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं क्रेडिट दूंगा तो देर इज़ अ रिस्क कल को पैसे ना आए या पैसे लेट आएंगे, मेरा बिजनेस स्लो हो सकता है, तो लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो लिक्विडिटी मींस ऑन द स्पॉट अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। तो फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू सी इज कि मेरा जो डेटर्स हैं उनको मैं सबसे कम क्रेडिट पे दूं या फिर मैं कैश से ले करूं कि मेरे पास तो भाई पैसे ऑन द स्पॉट आ जाएं। तो मेरे को लिक्विडिटी भी ध्यान रखनी है, दूसरा मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी भी ध्यान रखनी है कि अगर मैं क्रेडिट पे सामान नहीं दूंगा तो मेरी सेल्स भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, है ना। नॉर्मली जो बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे क्रेडिट सेल्स ही चलती है, जैसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ काफ़ी बार। तो अगर मैं क्रेडिट पे सामान ही बेचूंगा नहीं तो मेरी तो सेल ही नहीं बढ़ेगी, तो मतलब मेरे को प्रॉफिट भी देखना है। तो एक्सटेंडिंग द क्रेडिट पीरियड टू कस्टमर्स, एनकरेजिंग एडिशनल सेल्स, अब इन दोनों के बीच में मुझे देखना है अपना ट्रेड ऑफ कि इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ है बैलेंस करके जहाँ से मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट। अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट, मतलब अभी हम उन दोनों चीज़ों में कंपेयर नहीं कर रहे, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, उसमें हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अकाउंट रिसीवेबल को कैसे मैनेज करना चाहिए ताकि हमारी लिक्विडिटी मेंटेन रहे और हमारे पास टाइम टू टाइम पैसा आ जाए, हमारा लॉस ना हो। तो फॉर अकाउंट रिसीवेबल कंपनी पॉलिसी विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, कंपनी को कुछ क्रेडिट पॉलिसीज बनानी पड़ती है। क्या क्रेडिट पॉलिसीज, कि कितने दिन का क्रेडिट देना है, कितने अगर नहीं दिया क्रेडिट कि उस टाइम तक पैसे नहीं आए तो क्या होगा। तो कंपनी हैज़ टू मेक वन पॉलिसी लाइक दैट। तो वो पॉलिसी बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी को क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, फर्स्ट इज़ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, की डिमांड कितनी। सेकेंड इज़ कॉम्पिटिटर्स टर्म्स, के कॉम्पिटिटर्स के टर्म्स क्या क्या, कॉम्पिटिटर्स भी हमारे क्रेडिट पर सामान सेल करते हैं या वो कैश में करते हैं। रिस्क ऑफ इररिकवरेबल डेट, मतलब अगर मैं क्रेडिट पे सामान सेल करूं तो कितना रिस्क है कि मुझे उसके पैसे वापस ही ना आए, ठीक है ना। कैसे कैसे लोग हैं, कस्टमर्स कैसे, एरिया कैसा है। फाइनेंस कॉस्ट, कि अगर मैं किसी को क्रेडिट पे देता हूं तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो कितना लॉस होगा। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लॉस हो रहा है तो मतलब मेरे को क्रेडिट पॉलिसी में अपना ये देखना पड़ेगा कि मैं कम क्रेडिट दूँ। और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, कि जो क्रेडिट पे मैं सामान अगर किसी को बेच रहा हूं तो उसके बाद, जैसे मैं सारा सामान क्रेडिट पे बेच रहा हूँ और मेरे लेट से बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जैसे सुपरमार्केट है, सोचो सुपरमार्केट क्रेडिट पे सामान बेचना शुरू कर दे तो इतने सारे कस्टमर्स होंगे जो क्रेडिट पे सामान देते हैं, उनकी लिस्ट बनाना, फिर जिन्होंने 30 डेज में पैसे नहीं दिए उनको कॉल्स करना, ये सब करना। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें कम से कम 10 बंदे चाहिए होंगे जो सिर्फ इस चीज़ को मैनेज करें कि क्रेडिट डेटर से यानी रिसीवेबल से टाइम पे पैसे आ जाएं। तो वो वाली कॉस्ट देखना कि हमारी कितनी कॉस्ट हो सकती है, कितने टाइप के हमारे डेटर्स हो सकते हैं। तभी तो तुमने देखा होगा ना कि जो सुपर, जो हमारे सुपर मार्केट्स वगैरह होती हैं, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, वो क्रेडिट पे सामान कभी देते नहीं हैं, वो सारा कैश पे सेल करते हैं क्योंकि वो इन सब चपड़ों में पड़ना ही नहीं चाहते, ठीक है ना। और उनका जो बिज़नेस है, उनका बिज़नेस ही ऐसा है कि डिमांड इतनी हाई है कि अगर एक नहीं देता तो दूसरा ले लेगा। अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो हमें क्रेडिट पॉलिसी एक तरह से क्रेडिट ज़्यादा देना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि अगर हम क्रेडिट ज़्यादा देंगे तो जिस बंदे को सामान नहीं लेना शायद वो भी ले लें। लेकिन अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, एक बंदे को हमने बोला कि हम तो कैश सेल करते हैं, उसने मना कर दिया, कोई चक्कर नहीं, दूसरा पर्सन आके ले लेगा, डिमांड इतनी हाई है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा वाइल सेटिंग दी क्रेडिट पॉलिसी कि हमें क्रेडिट कितने दिन का देना है। सबसे पहले वो पॉलिसी के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब क्रेडिट पॉलिसी बनानी ज़रूरी क्यों है, वाई क्रेडिट पॉलिसी इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो, हमेशा हमें एक चीज़ पता है कि पॉलिसी इज़ लाइक अ डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट जिसको अगर हम रेगुलर फॉलो करें तो हमारा एक बिजनेस स्ट्रीमलाइन चलता है, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आती, एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि नई कंपनी की ये पॉलिसी है। अब तुम डिपार्टमेंटल स्टोर जाओ, कुछ लोग उधारी पे सामान ले जाते हैं, कुछ लोग उधारी पे सामान नहीं लेके जाते, तुम गए उसने तुम्हें दिया नहीं, तुम्हारा फ्रेंड गया उसको दे दिया, क्यों, कोई पॉलिसी नहीं थी, जिस जब मन किया जिसको दे दिया, तो यू विल बी सैड, यू विल से कि यार मेरे को भी क्रेडिट पे देते क्या फ़र्क पड़ता है, आज पैसे दूँ 30 दिन बाद पैसे दूँ, मेरे को कर ले ये चीज़, है ना। हम फाइनेंस के बंदे हैं, हम कोशिश करेंगे हमें क्रेडिट पे सामान दे, क्यों, हम वो 30 दिन के लिए पैसे कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, 30 दिन पे हमें थोड़ा बहुत 1-2% रिटर्न आ जाएगा, वो हमारी कमाई होगी और 30 दिन बाद उसको पैसे दे देंगे, है ना। तो हमें उसने पैसे नहीं दिए क्रेडिट पे, सामान नहीं दिया, उसने बोला कि मैं तुम्हें तो सामान क्रेडिट पे दूंगा नहीं। सो क्रेडिट पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है, अ फर्म मस्ट एस्टैब्लिश अ पॉलिसी ऑफ क्रेडिट टर्म्स गिवन टू कस्टमर्स, आइडियली द फर्म वुड वॉन्ट टू ऑब्टेन कैश, एक सेकेंड गाइस थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, हाँ, आइडियली अ फर्म वुड ऑब्टेन कैश विद ईच ऑर्डर डिलीवर्ड बट दैट इज इम्पॉसिबल अनलेस अ सब्सटैंशियल सेटलमेंट और कैश डिस्काउंट आर ऑफर्ड एज एन इंड्यूसमेंट। मतलब नॉर्मली हमें ऑन द स्पॉट कैश नहीं आता बिजनेस के अंदर, वो तभी आएगा अगर हम कोई कैश डिस्काउंट ऑफर करें। सो इट मस्ट बी रिकग्नाइज दैट क्रेडिट टर्म्स आर अ पार्ट ऑफ फर्म्स मार्केटिंग पॉलिसी, इफ द ट्रेड इंडस्ट्री हैज अडॉप्टेड अ कॉमन प्रैक्टिस then it is probably wise to keep step with this. कि अगर हम एक पॉलिसी मेंटेन रखेंगे तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन बनी रहेगी और सारे कस्टमर्स क्लियर होंगे कि हाँ वो कंपनी क्रेडिट पे सामान नहीं सेल करती, ये उनकी पॉलिसी है, तो उससे एक रेपुटेशन बनती है हमारी। A lenient credit policy may well attract customers but at a disappropriate increase in cost. अगर हम lenient मतलब थोड़ी ज़्यादा फ्री क्रेडिट पॉलिसी रखें, फ्री मतलब ज़्यादा लंबी, जैसे कहते हैं ना कि टीचर एक बच्चे के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, एक के लिए बहुत लीनियंट, लीनियंट मतलब कि उसको मतलब उस बच्चे पे ज़्यादा उसको डांटती नहीं है, उससे बड़ा प्यार है, लीनियंट है उसके लिए, कोई गलती हो माफ़ कर देती है। तो अगर हम क्रेडिट पॉलिसी भी ऐसे लीनियंट रखें कि कोई चक्कर नहीं, अगर किसी ने 30 डेज में पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं, 15 दिन बाद दे दिए उसके, उसके बाद नहीं चल 10 दिन बाद दे दिए, ऐसा होगा तो कस्टमर तो बहुत आ जाएंगे कि यार कोई बात नहीं 30 डेज में नहीं दिए बाद में दे देंगे, लेकिन उससे हमारा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अगर बंदा लेट पैसे देता है तो हमारा इंटरेस्ट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। अब क्रेडिट पॉलिसी के लिए 4 एस्पेक्ट्स हमें क्या क्या देखने पड़ेंगे, सबसे पहला असेस क्रेडिट वर्दीनेस। अब ये जो चारों चीज़ें हैं ये हम नीचे पढ़ते हैं, एक तो है असेस क्रेडिट वर्दीनेस, सेकेंड क्रेडिट लिमिट्स, थर्ड इज इनवॉइस प्रॉम्प्टली एंड कलेक्ट ओवरड्यूज डेब्ट, एंड फोर्थ इज मॉनिटरिंग द क्रेडिट सिस्टम। ये चारों चीज़ें क्रेडिट पॉलिसी के 4 एस्पेक्ट्स हैं, तो चारों एस्पेक्ट पढ़ते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट जो हमारा आता है दैट इज असेसिंग क्रेडिट वर्दीनेस। अब गाइस यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है मैं तुम्हें अभी समझा देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद नीचे इसके तुम देखोगे ना ये चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, तो देर इज़ नो पॉइंट फॉर मी उसको मैं रीड करके तुम्हें बताऊं, क्योंकि मैं यहीं पे तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दूंगा, तुम जब रीड करोगे तुम्हें वो आता होगा, इट वुड बी अ बुकिश लैंग्वेज दैट यू विल रीड सो दैट इफ इन एग्जाम दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम यू नो व्हाट टू राइट। सो व्हाट हैपेंस इज जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट कितना उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, कैसे वर्ड्स में कन्वर्ट करना है वो तुम्हें रीडिंग करके ही पता चलेगा, तो ऑलवेज रीड सो दैट यू नो व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू हैव टू यूज and what kind of sentence you have to make अगर तुमसे ऐसा question पूछा जाता है। मैं concept clear कर दूंगा पूरे, ठीक है। अब assessing creditworthiness का मतलब क्या होता है, a firm should assess creditworthiness of, मतलब अगर कोई customer हमारे पास आ रहा है तो हमें पहले उसकी creditworthiness check करनी पड़ेगी, कि मान लो ये हमारा business है, एक नया customer आया उसने बोला कि मेरे को 10 crore का सामान सेल कर दो क्रेडिट पे, मैं आपको 60 डेज बाद पैसे दे दूंगा। अब तुम्हें सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो बंदा सही है, क्या उसने पहले किसी और से क्रेडिट पे सामान लिया हुआ जो वो पे कर पा रहा है, क्या उस पर्सन का मार्केट में नाम है। अब छोटा सा टिटपुंडिया अगर मेरे पास उठ के आ गया कि 10 करोड़ का सामान दे दो और वो पैसे ले सामान लेके भाग गया तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे पहले इसके बैकग्राउंड चेक कराने पड़ेंगे कि क्या ये पर्सन की क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं। जब हम बैंक में भी जाते हैं, जैसे इंडिया में तुमने सुना होगा सिबिल, सिबिल स्कोर क्या होता है कि बंदे की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, सिबिल टेल्स दी क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ कस्टमर। तो बैंक उसी पर्सन को लोन देता है जिसका सिबिल रेटिंग बहुत अच्छी होगी। अब इन पर्सन की सिबिल रेटिंग भी चेक करी जा सकती है, ठीक है, सारे लोग इनकी सिबिल रेटिंग भी चेक कर सकते हैं और वैसे भी इनकी बुक्स मंगा सकते हैं कि आप हमें बुक्स दो हम देखें
कि आपके कितने पुराने डेटर्स थे या कितने क्रेडिटर्स थे, आप कितनी देर में उनको पैसे देते हो अपने पुराने क्रेडिटर्स को, वो सारी चीज़ें। तो अ फर्म शुड असेस क्रेडिटवर्थीनेस ऑफ ऑल द न्यू कस्टमर्स एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पीरियोडिकली। जब कोई नया कस्टमर आता है उसकी तो क्रेडिटवर्थीनेस हमें ऑन द स्पॉट चेक करनी पड़ेगी ताकि डिफॉल्ट के चांसेस कम हो, और जो पुराने कस्टमर्स हैं हमारे उनका भी एक प्रॉपर पीरियड के बाद, प्रॉपर टाइम के बाद, हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो बंदे का बिजनेस लो तो नहीं हो गया कि वो कल को हमारे पैसे ना दे। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ कहाँ से आ सकती है? बैंक रेफरेंसेस, जैसे मैंने बताया सिबिल रेटिंग से, ट्रेड रेफरेंसेस कि अगर ये बंदा किसी और से भी सामान परचेज करता है, ये 3-4 लोगों से सामान परचेज करता है, हमने इसकी बुक्स मंगाई वहाँ से देखा, तो हम उन बंदों को कॉल कर सकते हैं क्या, उनसे पूछेंगे कि यार ये जो पर्सन है क्या वो तुम्हारे को टाइम पे पेमेंट कर देता है? अगर ये बोलते हैं हाँ यार ये अच्छा आदमी है, हम 10 साल से इसके साथ काम कर रहे हैं, ये प्रॉपर टाइम पे पेमेंट कर देता है, तो शायद हम इसको क्रेडिट पे सामान दे दें। लेकिन अगर एक बंदा बोलता है कि नहीं यार देख भाई, मेरे को 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि 30 डेज़ की जगह ये 90 डेज़ में पैसे देता है और अभी बहुत सारे पेमेंट मेरी पेंडिंग है जो इसने देनी है, लटकाता रहता है, तो उस केस में हम इसको क्रेडिट नहीं देंगे। तो दैट इज़ ट्रेड रेफरेंसेस। कॉम्पिटिटर से चेक करेंगे, पब्लिश इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया, बुक्स जो भी ये पर्सन है, अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इसकी जो बुक्स होती हैं वो, जैसे कंपनी बुक्स जो है हमारी इंडिया में MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो वहाँ पे इसकी सारी बुक्स अपलोड होती हैं, पब्लिश अकाउंट्स, वहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कैसा काम कर रहा है। क्रेडिट रेफरेंसेज एजेंसीज़ की हमने एजेंसीज पकड़ी हैं कि आप ढूंढो कि इसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, तो वो अलग अलग जगहों से खुद ये काम करके लाएंगे। कंपनी सेल्स रिकॉर्ड के, इसका सेल्स रिकॉर्ड कैसा है, क्रेडिट स्कोरिंग जो मैंने बताया, सिबिल स्कोरिंग, तो यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि ये पर्सन जो है, जो हमसे सामान लेने आया, वो कितना क्रेडिट वर्दी है, क्या इसको क्रेडिट पे सामान देना है या नहीं देना, वो चीज़ हमें सबसे पहले चेक कर पॉलिसी डिसाइड करते टाइम क्रेडिट वर्दीनेस। अब ये डिसाइड करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम डिसाइड करेंगे, दैट विल बी द क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट मतलब हाउ मच क्रेडिट इज टू बी गिवन, हाउ मच क्रेडिट इज टू बी गिवन। अब जैसे मैंने अपनी पॉलिसी बनाई है क्या, कि जो मेरा फर्स्ट कस्टमर आता है, पहला कस्टमर, मैं उसको मैक्सिमम 10 लाख का सामान क्रेडिट पे देता हूँ। अगर वो कस्टमर दोबारा से आया, रिटर्निंग कस्टमर है, तो रिटर्निंग कस्टमर जो है, अगर वो रिटर्निंग है, दोबारा मेरे पास आया है, ये पेमेंट उसने टाइम पे कर दी थी, तो मैं उसको 20 लाख का क्रेडिट दे दूंगा, ठीक है। अगर उसके बाद वो थर्ड टाइम मेरे पास आया है, तो मैं उसको 40 लाख का क्रेडिट दे दूंगा, और मैक्सिमम मैं 1 करोड़ का क्रेडिट दूंगा अपने पुराने कस्टमर्स को जो 1 साल पुराने हैं और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। दैट इज़ लाइक माई क्रेडिट लिमिट्स। तो क्रेडिट लिमिट शुड सेट टू रिफ्लेक्ट बोथ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल, द लेंथ ऑफ टाइम अलाउड बिफोर द पेमेंट इज ड्यू, कि हमें कितने दिन का क्रेडिट देना है। जैसे इन लोगों को मैं मैक्सिमम दूंगा 30 डेज़ के लिए, इनको मैं 30-45 डेज़ के लिए दे सकता हूँ, और जो बहुत पुराने कस्टमर्स हैं, जो रेगुलर मेरे से सामान लेते हैं, 1-2 साल पुराने, उनको मैं 60 डेज़ तक का क्रेडिट दे सकता हूँ। तो ये दो चीज़ें मुझे डिसाइड करनी है कि कितना अमाउंट मैं क्रेडिट दे सकता हूँ और कितने डेज़ के लिए मैं क्रेडिट दे सकता हूँ, ठीक है। सो द लेजर अकाउंट शुड बी मॉनिटर्ड टू टेक अकाउंट ऑफ ऑर्डर्स इन द पाइपलाइन एज वेल एज इनवॉइस सेल्स, बट फर्दर क्रेडिट इज गिवन टू एंश्योर लिमिट इज नॉट ब्रीच्ड, कि मतलब मुझे अपना उसका अकाउंट चेक करना पड़ेगा कि मैं इसको 10 लाख का सामान दे सकता हूँ, तो अगर 8 लाख का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब दोबारा से मैं उसको मैक्सिमम 2 लाख का ही सेल पे दे सकता हूँ। वो कैसे चेक करूँगा, मैं उसका अकाउंट खोलूँगा, अकाउंट में देखूँगा कितना ऑलरेडी सेल किया हुआ है, अच्छा इसके नाम की ऑलरेडी 8 लाख की सेल हो चुकी है, अच्छा 2 लाख की बचे, चलो मैक्सिमम 2 लाख की सेल और कर दो, लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है गाइस, दैट इज़, अब ये भी क्रेडिट लिमिट डिसाइड, ये हमारा जो क्रेडिट पॉलिसी होती है उसके जो थर्ड आस्पेक्ट होता है हमारा, वो क्या होता है, जो क्रेडिट पॉलिसी में लिखा जाता है या क्रेडिट पॉलिसी हम बनाते हैं उसमें क्या लिखा जाता है, दैट इज़, ये इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ इनवॉइसिंग एंड कलेक्टिंग ओवर ड्यू डेट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें किसी से पैसे लेने हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसको बिल बना के दे देंगे कि ये लो अपना बिल, हमें विद इन 30 डेज़ पैसे दे देना। अब अगर उसने 30 डेज़ में पैसे दे दिए फिर तो ठीक है, अगर उसने 30 डेज़ में पैसे नहीं दिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम अपने कुछ डिसाइड करेंगे कि अगर उसने 30 डेज़ में पैसे नहीं दिए तो 30 डेज़ बाद हम उसको एक कॉल करेंगे, एक मेल डालेंगे रिमाइंडर, अगर उसने 40 डेज़ बाद नहीं दिया तो कॉल करेंगे,
अगर 50 डेज हो गए इसी ऊपर हो गए तो हम फिर हमें एक एजेंसी को हायर करना पड़ेगा कि भाई तुम उसे पैसे निकलवाओ, गुंडे गुंडे भिजवाओ। और अगर फिर 60 डेज से ऊपर हो गए अभी तक पैसे नहीं है तो हमें तो उसको कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, हमें उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल्सो टू बी रिटर्न इन द क्रेडिट पॉलिसी। ये पूरा हमें प्रॉपरली लिखना पड़ेगा कि वॉट इफ़ अगर किसी से पैसे नहीं है, क्योंकि पॉलिसी अगर हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी तभी हम अच्छे से कुछ काम कर पाएंगे, ठीक है ना। सो अ लॉन्गर डेट इज अलाउड टू रन द हायर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इवेंटफुल डिफॉल्ट, कि जितना लंबा हम अपना लोन रखेंगे दैट मीन्स उतना ज़्यादा डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं। अ सिस्टम ऑफ फॉलो अप प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड, हमें अपने कस्टमर से जो रिसीवेबल्स हैं बार बार उनसे फॉलो अप करना पड़ेगा कि भाई पैसे दे दो, टाइम आ गया पैसे दे दो। बियरिंग इन माइंड द रिस्क ऑफ ऑफरिंग वैल्यूड कस्टमर टू सच एक्सटेंट देयर बिजनेस इज दैट देयर बिजनेस इज लॉस्ट। सिंपल सी बात है, हमें बस एक ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर उनसे टाइम पे पैसे लेने हैं। अगर किसी ने 30 डेज की जगह 90 डेज तक पैसे नहीं दिए तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा कि शायद वो पैसे कभी ना दें। तो हम कैसे पॉलिसी सेट कर सकते हैं अपनी, हमने क्या किया गाइस, बहुत सिंपल है। देखो हमने क्या किया, फर्स्ट लेवल जैसे मैंने बोला कि 30 डेज तक अगर किसी पर्सन ने पैसे नहीं दिए तो हम उसको रिमाइंडर लेटर भेजेंगे एग्जैक्टली 30 डेज बाद। एक बंदे को हमने रखा हुआ है कि तू एक लिस्ट बना हर डेटर की, ठीक है, डेटर की डेज, डेटर डेज, ट्रेड रिसीवेबल डेज बनाता रहे। जिस ट्रेड रिसीवेबल के डेज 30 डेज पहुँच गए कि 30 डेज तक पैसे नहीं दिए उसको रिमाइंडर लेटर भेज दे। अगर 35 डेज तक विद इन 5 डेज उसने पैसे नहीं दिए तो आफ्टर 5 डेज, मतलब आफ्टर 5 डेज, अगर 30 डेज होने के बाद आफ्टर 5 डेज भी उसने पैसे नहीं दिए तो उसको फिर टेलीफोन कॉल कर। अगर वो कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा, ठीक है, काम चल रहा है, उसे सेल परचेज हो रही है अभी भी, मतलब सेल परचेज मैं उससे करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सेल परचेज रुकी हुई है, वो नई नई सेल्स कर रहा है, वो हम पुराने के लिए कॉल कर रहे हैं, हाँ हाँ मैं दे दूंगा यार, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, थोड़ा टाइम और दे दे, मैं दे दूंगा, कोई चक्कर नहीं, मैं दे दूंगा, टेंशन ना ले, मेरे को सामान फटाफट से भेज दे, मेरा कस्टमर खड़ा है, मैं बाद में तेरे को दे दूंगा। तो उस केस में अब आफ्टर, सोचो मैंने डिसाइड किया आफ्टर 10 डेज कि इन 5 दिन के बाद, मतलब 35 डेज के बाद अगर 45 डेज तक भी उसने पैसे नहीं दिए तो मैं विद होल्ड कर लूँगा सप्लाइज, मतलब नो मोर सेल्स, मैं उसको बोलूँगा कि भाई तेरे को सेल ही नहीं करूँगा, बोले भाई सामान बेचते यार, मैं दे दूँगा भाई पैसे, दे दूँगा, कोई चक्कर नहीं, थोड़ा टाइम दे दे। मैंने बोला ना, पुरानी तेरी 30 डेज के 45 हो चुके हैं, जब तक वो पैसे नहीं देगा मैं आगे कुछ सेल नहीं करूँगा, हो सकता है शायद वो हमें से पैसे दे दे। अगर उसके भी 10 डेज तक या 15 डेज, आफ्टर 15 डेज, मतलब 45 डेज होने के आफ्टर 15 डेज, दैट मीन्स 60 डेज तक भी अगर उसने पैसे नहीं दिए, अब हमने उससे सेल्स भी रोक ली, कॉल्स भी करे जा रहे, लेटर भी बार बार भेजा रहे, फिर भी नहीं भेजा, तो हमें डेटर डेट कलेक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, गुंडों के पास जाना पड़ेगा कि भाई उससे जाके पैसे निकलवा के आओ, मारो धमकाओ जैसे मर्जी उससे पैसे निकलवा के आओ। अगर तब भी काम नहीं बन रहा, लास्ट स्टेज क्या होगी कि भैया चलो अब कोर्ट में चलते हैं कि देखो हमने सेल करी थी, उसने पैसे नहीं दिए, अब कोर्ट में जाके हम कोर्ट से ही पैसे लेंगे, वो तो गुंडों से भी नहीं डरता, ठीक है। सो दीज आर लाइक कलेक्टिंग ओवर ड्यू डेट, कि जो हमने सेल करी थी तो कलेक्ट करने का भी हमें कुछ प्रोसीजर अपनी क्रेडिट पॉलिसी में लिखना पड़ेगा कि अगर कोई कस्टमर पैसे ना दे तो उस केस में हम उससे कैसे पैसे निकलवा सकते हैं, तभी हमारी चीज़ें कॉन्स्टेंट रहेंगी। और एक ही चीज़ अगर हम क्रेडिट पॉलिसी में लिख देंगे, इट वुड बी गुड फॉर द कंपनी। अब किसी को सीधा लीगल नोटिस जा रहा है, वो कह रहा है भाई 30 दिन हुआ है, दे दूंगा यार, एक दिन ही तो ऊपर हुआ है, एक दिन ऊपर हुआ तो लीगल नोटिस भेज दिया, तो वहाँ हमारी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होगी। तो क्रेडिट पॉलिसी में प्रॉपर हमें ये चीज़ लिखनी पड़ेगी और कस्टमर को बताना पड़ेगा कि भाई ये हमारी पॉलिसी है, अगर इतने दिन तक पैसे नहीं आए, ठीक है भाई, ये चीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद अब हमारा सिस्टम आता है मॉनिटरिंग द सिस्टम। अब जो हमने सिस्टम बनाया उसको मॉनिटर करना, कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, सबसे पहले होता है एज एनालिसिस। एज एनालिसिस मतलब कि डेटर की एज चेक करना, एज मतलब हाउ ओल्ड द डेट इज, कि डेट कितनी पुरानी है, ठीक है। सो एज एनालिसिस मीन्स हाउ ओल्ड दी डेट इज, डेट कितना पुराना है। जैसे मैंने बताया था हम एक लिस्ट बनाते हैं कि जैसे मानो ए बी सी डी ई, ये सारे कस्टमर्स हैं, मैंने बोला कि आज की डेट में कस्टमर 15 डेज पुराने, इसके पैसे नहीं आए, इसके 45 डेज हो गए पैसे नहीं आए, 100 डेज हो गए, 2 डेज है, 5 डेज है, तो मैं हर रोज़ ये चेक कर रहा हूँ जिस पर्सन का जो मेरा अब ये 45 डेज है, ये 100 डेज, तो इस पर क्या एक्शन लेना है, इस पर क्या एक्शन लेना है, हर रोज़ मैं ये एक्टिविटी करके चेक कर रहा हूँ, दैट इज़ एज एनालिसिस। रेशियोज़ मैं अपनी रेशियोज़ चेक कर रहा हूँ, जैसे
करंट रेशो वगैरह, मैं वो रेशो चेक करूँगा कि रेशो तो नहीं ख़राब हो रही। और थर्ड इज़ स्टैटिस्टिकल डेटा, कि मैं अपना स्टैटिस्टिकल डेटा चेक कर रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा बैड डेट हो रहा है, मतलब ये तो मैंने देख रहा हूँ अब एक बंदे के 500 डेज है, मतलब 2 साल से वैसे नहीं है, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बैड डेट हो रहा है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल डेटा मीन्स कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो बंदा ऐसा तो नहीं है बैड डेट हो गया, उसकी चेकिंग कराओ, इधर उधर से बात पता करो। तो इस तरह से वी हैव टू मॉनिटर द सिस्टम कि हमने जो क्रेडिट पॉलिसी बनाई है तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही है कि नहीं चल रही, दैट इज़ मॉनिटरिंग द सिस्टम। ठीक है गाइस, अब आता है हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट, जो ऊपर था वो सारा थ्योरी का था, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब आता है हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट, तो सबसे पहले हमारा आता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स। अब कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल, जैसा मैंने बताया था कि अगर मैं किसी कस्टमर को 30 डेज का क्रेडिट दे रहा हूँ, इट मीन्स मैं 30 डेज के लिए अपना इंटरेस्ट लॉस कर रहा हूँ, इंटरेस्ट लूज कर रहा हूँ, है ना, कि मुझे, मैंने उधारी पे सामान लेके इसको बेचा था तो मुझे उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट लॉस इज़ कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल, कि अगर मैं रिसीवेबल को क्रेडिट देता हूँ तो कितना मेरा इंटरेस्ट लॉस होगा। तो इंटरेस्ट लॉस का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है गाइस, इंटरेस्ट का जो मेरा रिसीवेबल बैलेंस है इनटू डेज डिवाइड बाय 365, अगर मंथ्स में है तो मंथ्स, वीक्स है तो वीक्स, जो रिसीवेबल इनटू इंटरेस्ट अपॉन 100, यही फॉर्मूला होता है ना, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 365, या सेम यही होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे भी यही फॉर्मूला है, रिसीवेबल बैलेंस के कितना मेरा रिसीवेबल बैलेंस है इनटू इंटरेस्ट रेट, जो भी मेरा इंटरेस्ट रेट है। अब इंटरेस्ट रेट कैसे निकलेगा मेरा, और रिसीवेबल बैलेंस सॉरी कैसे आएगा, रिसीवेबल बैलेंस विल बी क्रेडिट सेल जो मैंने करी है इनटू रिसीवेबल डेज अपॉन 365। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जितनी मेरी क्रेडिट सेल्स हैं टोटल, तो रिसीवेबल डेज जो मैंने पिछली बार निकाले थे, क्या जो रिसीवेबल डेज मैंने पिछली बार निकाले थे कि पिछले साल के लिए रिसीवेबल से नॉर्मल इतने दिन में पैसे आते हैं, तो नेक्स्ट ईयर मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि अगर इतनी मेरी सेल होगी तो इतने मेरे रिसीवेबल होंगे, तो इतने मेरे रिसीवेबल हैं, उसको मैं जितने डेज का क्रेडिट करता हूँ इनटू डेज डिवाइड बाय 365, उससे मुझे पता चल जाएगा कि कितना मेरा इंटरेस्ट का लॉस होने वाला है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके चीज़ें ऑफकोर्स अच्छे से समझ आती है। तो देखो क्वेश्चन क्या है गाइस, पैसले कंपनी हैज सेल्स ओवर 20 मिलियन फॉर द प्रीवियस ईयर, इतनी पिछले साल सेल हुई थी, एंड रिसीवेबल एट द एंड वर 4 मिलियन, के 4 मिलियन के मेरे रिसीवेबल थे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे रिसीवेबल 365 पूरे 365 डेज के लिए मेरे रिसीवेबल थे, मतलब 4 मिलियन के ऐसे कस्टमर हैं जो मेरे हमेशा पेंडिंग रह जाते हैं, आते हैं जाते हैं, पेमेंट करते हैं दोबारा बनते हैं, पेमेंट करते हैं दोबारा बनते हैं, तो 4 मिलियन के रिसीवेबल्स नॉर्मली मेरे पास रहते हैं। टोटल सेल मैंने कितनी करी थी 20 मिलियन, 4 मिलियन के रिसीवेबल ऑलरेडी मेरे पास है, तो कैलकुलेट द रिसीवेबल डेज। अब रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला क्या था गाइस, रिसीवेबल्स 4 मिलियन डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स, अब सेल्स लिखी हुई है मैं सारी क्रेडिट सेल मानूंगा, दैट मीन्स 20 मिलियन इंटू 365, तो 4 डिवाइड बाय 20 इंटू 365, दैट मीन्स 73 डेज मेरा आ रहा है रिसीवेबल डेज, कि नॉर्मली 73 डेज में मेरे को पैसे आ जाते हैं। ठीक है, कि एक नया डेटर बनता है, रिसीवेबल बनता है, 73 डेज में पैसे देता है, फिर दोबारा नया बनता है, फिर वो 73 डेज में ऑन एन एवरेज पैसे देता है। हम एवरेज डेज की बात कर रहे हैं कि ऑन एन एवरेज टोटल सेल के जो पैसे हैं मुझे विद इन 73 डेज आ जाते हैं। कैलकुलेट द एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस रिसीवेबल, अब एनुअल कॉस्ट पूरे साल की कॉस्ट क्या होगी, अगर मैं पूरे साल के लिए ऐसे क्रेडिट देता हूँ क्रेडिटर्स को, तो पूरे साल की मेरी फाइनेंस कॉस्ट क्या होगी, इट इज़ गोइंग टू बी, अब रिसीवेबल मेरे कितने 4 मिलियन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12 अपॉन 100, सो 4 मिलियन इंटू 12%, दैट मीन्स $480,000, दैट मीन्स दिस वुड बी पर एनम मेरा जो इंटरेस्ट लॉस होगा, पर एनम मेरा इतना कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, इतना इंटरेस्ट लॉस हो रहा है जो मैं उनको 73 डेज का क्रेडिट टर्म्स दे रहा हूँ इस वजह से। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ खास नहीं है, सिंपल दो फॉर्मूले एक बार पढ़ने। नेक्स्ट आता है हमारा गाइज आगे पॉइंट, अब ये जो पॉइंट है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ये हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इज़, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, हाँ नेक्स्ट इज़
कैश डिस्काउंट अर्ली डिस्काउंट सेटलमेंट या अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। अब अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का मतलब क्या है? इट मीन्स कि मैंने कस्टमर को बोला कि आप जैसे 73 डेज का क्रेडिट टर्म है, मैंने बोला कि अगर आप 30 डेज में मुझे पैसे दे दोगे ना तो मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा, कि जो टोटल सेल अमाउंट है मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा, दैट इज अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। अब यहां मुझे ये चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, कि अगर मैं उनको डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं, अगर मैं उनको डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं तो मेरा जो, ध्यान से सुनना, जो मेरा कॉस्ट है, क्या मतलब, जितना मैं उनको डिस्काउंट दे रहा हूं, जिस पीरियड के लिए मैं उनको डिस्काउंट दे रहा हूं, जैसे मैंने उनको डिस्काउंट दे दिया 73 डेज का क्रेडिट टर्म है 30 डेज, तो लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल 43 डेज पहले मैं उनसे पैसे मंगा रहा हूं, तो 43 डेज का मेरा जो इंटरेस्ट है वो सेव हो रहा है। क्या बोला मैंने, 43 डेज का मेरा जो इंटरेस्ट है वो सेव हो रहा है ना। और अगर मैं उनको 30 डेज में पैसे वो मेरे को देते हैं तो मुझे कुछ उनको डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा, डिस्काउंट मीन्स लॉस। तो सिंपल से लॉजिक की बात क्या है, मैं उनको ये डिस्काउंट तभी ऑफर करूंगा जब मेरा इंटरेस्ट जो इन 43 डेज का है वो ज़्यादा है। अगर मेरा इंटरेस्ट जो मैं बचा रहा हूँ 43 डेज पहले पैसे लेके वो ज़्यादा है तभी मैं उनको डिस्काउंट ऑफर करूँगा। अगर मैं, मान लो, मैं इंटरेस्ट जो मेरे को बच रहा है वो बच रहा है कम, मुझे बहुत कम इंटरेस्ट बच रहा है, लेट्स से जस्ट एन फिगर मुझे $100 का इंटरेस्ट बच रहा है, और अगर इतना बच गया लेकिन मुझे उनको $150 का डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो देखा जाए मेरा तो नेट लॉस ही है ना, कि मुझे $150 का उनको सेल पे 30 डेज बाद जो पेमेंट मेरे को आएगी मुझे 150 का डिस्काउंट देना पड़ रहा है, लेकिन मेरा अगर मैं 73 डेज करता तो मेरे को $100 एक्स्ट्रा देना पड़ता, तो मैं कहूँगा भाई 73 डेज वाला ऑप्शन ही सही है ना। क्या, कि तुम भाई डिस्काउंट उनको दे रहे हो 150 का। ध्यान से सुनना गाइस, ये बहुत ही टेक्निकल टर्म है, लेमैन बंदा ये बात समझ नहीं पाएगा, बट तुम एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हो तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। क्या तुम बोलोगे कि अगर मैं 30 डेज में तुम पैसे देते हो तो मैं तुम्हें 150 का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है, ये 150 का डिस्काउंट दे दिया तुमने, लेकिन जब तुमने कैलकुलेशन करी तुमने देखा कि अगर तुम 73 डेज का ही क्रेडिट टर्म रखते तो इन देखो जो ये पहले 30 डेज है उसका तो इंटरेस्ट लॉस हो ही रहा है क्योंकि वो तो 30 डेज में पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन 30-73 डेज जो 43 डेज हैं इसका तुम्हारा $100 की तुम्हारी सेविंग हो रही है, इनपुट लगा लो और आउटफ्लो तुम्हारा हो रहा है 150, दैट मीन्स तुम्हारे यहाँ पे तो 50 का लॉस ही हो रहा है। तो मैं तो कहूँगा भाई इसको फॉलो मत करो, तुम 73 डेज क्रेडिट ही रखो। सो क्या लिखा हुआ है, इफ़ कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द डिस्काउंट के डिस्काउंट का जो हमारा लॉस है, दैट मीन्स कॉस्ट एक्सीड्स द रेट ऑफ ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, कि जो हमारा इंटरेस्ट सेव हो रहा है उससे ज़्यादा है, इफ़ दिस लॉस इज मोर देन द इंटरेस्ट देन डिस्काउंट शुड नॉट बी ऑफर्ड, कि हमें डिस्काउंट ऑफर करने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है ना, हमें डिस्काउंट ऑफर करने का कोई भी फायदा नहीं है। ये बात क्लियर है सबको, आई होप सबको ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम कुछ फॉर्मुलेज पढ़ते हैं, यहाँ दो फॉर्मुलेज हैं। सो द कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कॉस्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फॉर्मूला। सो एनुअल कॉस्ट जो डिस्काउंट कॉस्ट है इसका एक फॉर्मूला बताया हुआ है, इट इज 1+ डिस्काउंट डिवाइड बाय अमाउंट लेट टू पे। मतलब अगर मैं 2% का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मुझे 98 पे करना है, अगर मैं 2% का डिस्काउंट दे रहा हूँ दैट मीन्स मुझे 98% पे करना है। सो 1+ डिस्काउंट डिवाइड बाय अमाउंट लेट टू पे इनटू, इसको हम करेंगे नंबर ऑफ पीरियड्स माइनस 1। सो 1+ डिस्काउंट अपॉन अमाउंट लेट टू पे होल इनटू, या इनटू नहीं सॉरी, दिस इज ऊपर नंबर ऑफ पीरियड माइनस 1। अब नंबर ऑफ पीरियड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पीरियड इज 365 अगर डेज में है, वीक्स में है, मंथ्स में है, नंबर ऑफ डेज वीक मंथ्स अर्लियर द मनी इज रिसीव्ड, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 43 के 43 डेज पहले हमें पैसे आ रहे हैं, तो पीरियड विल बी डेज वाइज है तो 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज मंथ्स वीक अर्लियर द मनी इज रिसीव्ड, के नॉर्मल क्रेडिट पीरियड से कितनी जल्दी हमें पैसे आ रहे हैं तो वो डेज जो हमारे होंगे वहाँ से हमें पीरियड पता चलेगा, यहाँ से पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट और उसके बाद हम देख लेंगे हमारा कि वैसे ही क्या रेट है। तो आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट होगा तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन और उसके बाद हम अपना आंसर देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 ये करते हैं, ठीक है ना। देखो एक सेकंड गाइस, हाँ, तो अ कंपनी इज ऑफरिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 2.5% टू रिसीवेबल्स इफ दे अग्री टू पे डेट विद इन अ मंथ, कि अगर तुम विद इन 1 मंथ पे कर दो
तो हम तुम्हें 2.5% का डिस्काउंट देंगे। द यूजुअल क्रेडिट पीरियड इज टेकन एज 3 months, कि जो यूजुअल क्रेडिट पीरियड हमारे हैं वो कितने हैं, 3 months के। ठीक है, क्या बोला मैंने, अ कंपनी इज ऑफरिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2.5% टू रिसीवेबल इफ दे अग्री टू पे डेट विद इन 1 month। नॉर्मली हमें 3 months में पैसे आते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा टाइम सेव हो रहा है इट इज 2 months। हमारे को 2 months का टाइम सेव हो रहा है, 2 months पहले पैसे आ रहे हैं। सो जो मैंने बताया था नंबर ऑफ डेज वीक मंथ्स अर्लियर द मनी इज रिसीव्ड इट इज 2 months। सो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा पीरियड, ये मंथ्स में है, सो 12 डिवाइड बाय 2 तो पीरियड आ गया हमारा 6। अब उसके बाद हमें देखना है व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द डिस्काउंट एंड शुड इट बी ऑफर्ड इफ द बैंक लोन ऑफ द कंपनी इज 18% पर ईयर, कि अगर बैंक रेट हमारा 18% है तो हमें बताना है कि एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट क्या आएगा। तो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 1 प्लस डिस्काउंट हमने कितना दिया 2.5 का डिवाइडेड बाय अमाउंट लेट टू पे, तो 2.5 डिस्काउंट है तो 100 माइनस 2.5 तो 97.5 हमें पे करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था, 100 में से 2.5 अगर डिस्काउंट है तो 97.5 पे करना पड़ेगा। हम हमेशा ऐसे ही मान के चलते हैं 100 से, ठीक है। तो 2.5 डिवाइड बाय 97.5 रेज टू पावर 6 माइनस 1, तो ये 2.5 डिवाइड बाय 97.5 प्लस 1 इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस 1, ये मेरा आता है 19.38। नहीं, आई थिंक मैंने ड्यूअल मल्टीप्लाई कर दिया, मैं दोबारा चेक करता हूँ। हाँ गाइस सॉरी, वो मैंने ड्यूअल कैलकुलेट कर दिया था। तो कैलकुलेटर पे मैंने कैसे किया मैं बताता हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इज कैलकुलेटर। सो 2.5 डिवाइड बाय 97.5, मैंने क्या किया 2.5 डिवाइड बाय 97.5, सो 2.5 डिवाइड बाय 97.5 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू करा, दैट मीन्स ये मेरा एक बार ही हो गया। अब इसको मैंने एंटर किया आगे मल्टीप्लाई, एक बार मैंने क्रॉस दबाया, अब ये एक बार ही हो चुका है। अब 2, 3, 4, 5, 6 तो 3, 4, 5, 6 तो मैंने पहले क्या किया, दिस डिवाइड बाय दिस प्लस 1 ये आ गया इज इक्वल टू जो मेरी वैल्यू आई, इनटू जब मैंने कर दिया दैट मीन्स रेज टू द पावर 1 हो गया। अब इज इक्वल टू मतलब रेज टू द पावर 2, 3, 4, 5, 6 तो 2, 3, 4, 5, 6 माइनस 1, ये मेरा आंसर आता है 0.16405। तो दिस इज 0.16405 और आई कैन से 16.40% या फिर 16.4%। कैन आई से दैट 16.4%, है ना। 2.5 डिवाइड बाई 97.5 प्लस 1 इज प्लस 1 इन 2 इज इक्वल टू करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब 6 टाइम हो गया माइनस 1 तो ये मेरा आ रहा है 16.4%। 16.4% मेरा आ रहा है एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट, कि कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट मेरे को इतना पड़ेगा कि अगर मैं डिस्काउंट देता हूँ तो एनुअल नुकसान मुझे इतना होगा, और अगर मैं डिस्काउंट नहीं देता तो लोन पे मुझे इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो इट इज़ बेटर कि मैं ये डिस्काउंट एक्सेप्ट कर लूँ, डिस्काउंट वाली स्कीम, क्योंकि यहाँ मुझे कॉस्ट परसेंटेज में कम पड़ रही है और यहाँ ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। सो एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट मेरी यहाँ पे है कम, और एनुअल लोन की जो कॉस्ट है दैट इज़ मोर, सो इट इज़ प्रेफरेबल कि मैं डिस्काउंट लूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को कॉस्टिंग कम पड़ रही है डिस्काउंट की। सिंपल था गाइस, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। चलो अब करते हैं नेक्स्ट। अब क्या लिखा हुआ इसमें नेक्स्ट पार्ट, द अबव कैलकुलेशन गिव्स अ क्विक एंड ईजी वे टू इवेल्युएट एनुअल कॉस्ट एंड रीच अ डिसीजन ऑन वेयर टू ऑफर एन अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। दिस मेथड शुड बी यूज इन ऑल सिचुएशंस वेयर ऑल कस्टमर आर एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द डिस्काउंट। मतलब सारे कस्टमर्स ने बोला है कि हम आपका डिस्काउंट ऑफर करेंगे, तो सीधा सीधा हमने बोल दिया कि या तो है या नहीं है, हमने बोला कि डिस्काउंट हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब हम यही करेंगे, सारे कस्टमर्स को हम डिस्काउंट दे देंगे। बट सोचो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं वो डिस्काउंट लेना नहीं चाहते, वो तो कह रहे हैं नहीं हम तो 3 months बाद ही पैसे देंगे, हम आपको अभी पैसे दे नहीं सकते। हम उनको कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम पैसे पहले दो क्योंकि हमारे को बेनिफिट हो रहा है। वो कहेंगे हमें देने ही नहीं है, 3 months का तो क्रेडिट पॉलिसी है ही आपकी, ये तो पॉलिसी है। वो तो एक ऑफर है कि अगर हम 1 month पहले पैसे दे दें तो शायद हमें डिस्काउंट मिल जाए। मैं डिस्काउंट लेना नहीं चाहता, मेरे पास पैसे नहीं। देन वॉट वी शुड डू, अब उस केस में हम क्या करेंगे। अब सो हाउ एवर इन मेनी सिनारियोज यू मे बी प्रोवाइडेड विद मोर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, इन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू proportion of customers that are expected to take up the offer, जिन्होंने 1 month का डिस्काउंट का ऑफर लिया है,
इन दिस सिचुएशन इट इज़ नेसेसरी टू परफॉर्म अ लॉन्गर कैलकुलेशन, हमें कुछ लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे लॉजिकल कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी रादर देन दी बुकिश। इस फॉर्मूले से बेटर हम लॉजिकल कैलकुलेशन करेंगे, देखना लॉजिकल कैलकुलेशन से हमारा आंसर कितनी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। द कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द मॉनिटरी कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द डिस्काउंट विद द बेनिफिट दैट इज रिसीव्ड। ओके ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 करते हैं, इसी से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमारे यहीं से क्लियर होंगे। क्वेश्चन क्या है, पैसले कंपनी हैज सेल्स ऑफ 20 मिलियन फॉर द प्रीवियस ईयर, रिसीवेबल्स एट द एंड वर 4 मिलियन एंड द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल इज कवर्ड बाय एन ओवरड्राफ्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, दिस इज कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। इट इज नाउ कंसिडरिंग टू ऑफर कैश डिस्काउंट ऑफ 2% इफ पेमेंट इज मेड विद इन 10 डेज। कि नॉर्मली जो हमारा, अब नॉर्मली हमारा क्रेडिट पॉलिसी क्या है, तो हाउ टू फाइंड क्रेडिट पॉलिसी, तो सिंपल हम चेक करेंगे कि हमारा रिसीवेबल डेज कितने आ रहे हैं नॉर्मली। सो इट इज 4/20 × 365, रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल्स इंटू 365, तो जो पहले हमने क्वेश्चन करा था उसी से लिंक है, तो 73 डेज। तो 73 डेज का तो नॉर्मली हमारा क्रेडिट पॉलिसी है ही है, जो यहाँ से हमें पता चल रहा है, दिख ही रहा है ना कि इतने रिसीवेबल्स हैं, इतनी टोटल सेल्स हैं, तो नॉर्मली 73 डेज में पैसे आते हैं। हमने बोला कि अगर आप 10 डेज में पैसे दे दोगे तो हम आपको 2% डिस्काउंट ऑफर करेंगे। शुड इट बी इंट्रोड्यूस इफ 40% ऑफ द कस्टमर टेक अप द डिस्काउंट, अगर 40% कस्टमर्स हमारे डिस्काउंट ले लेते हैं, मैंने क्या बोला, अगर 40% कस्टमर्स हमारे डिस्काउंट ले लेते हैं तो क्या हमें ये चीज़ ऑफर करनी चाहिए या नहीं। कोई बात नहीं, काम करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इफ नो वन एक्सेप्ट्स डिस्काउंट, अगर कोई भी डिस्काउंट एक्सेप्ट नहीं करता तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कितने रिसीवेबल है हमारे 4 मिलियन के इंटू 12%, दैट मीन्स हमारा टोटल जो खर्चा आएगा, ये भी पिछले क्वेश्चन से लिंक है, तो $480 का ये तो हमारा टोटल लॉस है, इंटरेस्ट लॉस, अगर कोई भी पर्सन ये कस्टमर डिस्काउंट वाला ऑफर नहीं करता या हम ही नहीं ऑफर करते। कस्टमर्स तो 40% डिस्काउंट लेने को तैयार है, लेकिन हमने पहले देखना है कि हम क्या डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे। तो हमने देखा कि अगर हम डिस्काउंट नहीं देते तो टोटल हमारे को इतना एक्सपेंस होगा। अब नेक्स्ट आता है ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज इफ डिस्काउंट इज ऑफर्ड, अगर मैं डिस्काउंट ऑफर करता हूं तो मुझे चेक करना पड़ेगा मेरा टोटल कितना लॉस होता है। अब देखो गाइस, अगर मैं डिस्काउंट ऑफर करता हूं, पहली चीज़ इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, तो 40% कस्टमर्स यानी 4 मिलियन के, 4 मिलियन के 40%, 4 मिलियन के 40% होते हैं 160 और रिमेनिंग हो गए 240, तो 40% होते हैं 160, 60% होते 240, तो लॉजिकली 60% तो वैसे भी डिस्काउंट नहीं लेंगे, 60% लोग तो वैसे भी डिस्काउंट नहीं लेंगे, तो 60% के लिए तो पूरे 73 डेज का हमारा इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, है ना। तो दैट मीन्स 2,40,000 × rate upon 100 × 73/365, है ना, कि ये जो 2,40,000 वाले कस्टमर्स हैं इन्होंने तो, सॉरी गाइस यहाँ मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी, लॉजिक इज जब हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे वो हम टोटल सेल्स का देखते हैं कि तो सेल प्राइस है, सेल प्राइस के 40%, तो 20 मिलियन का 20 मिलियन इंटू 40% दैट इज 8 मिलियन और 12 मिलियन, सो 8 मिलियन जो सेल होगी दैट मीन्स 40% ऑफ कस्टमर्स यानी 8 मिलियन वाले कस्टमर हैं उनको हम डिस्काउंट देंगे, और 12 मिलियन वाले डिस्काउंट लेंगे नहीं, 8 मिलियन वाले के लिए डिस्काउंट ले लेंगे। या गाइस, सो द पॉइंट इज जो टोटल मेरी सेल हुई है इसके, ये जो टोटल सेल मतलब इतने कस्टमर्स, तो इसमें से 40% है जो डिस्काउंट लेंगे और 60% है जो डिस्काउंट नहीं लेंगे, दैट मीन्स 8 मिलियन वाले डिस्काउंट लेंगे, दैट मीन्स ये 8 मिलियन के पैसे हमें कब आएंगे, दे विल पे द अमाउंट विद इन 10 डेज, तो विद इन 10/365 × यहाँ हमारे को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 12%, सो दिस इज 8 मिलियन इंटू
10 / 365 × 12%, दैट मीन्स 26301.36, तो 26301, तो इतना तो मेरा इंटरेस्ट लॉस होगा इन 40% पे, क्योंकि 10 डेज तक का तो क्रेडिट ये भी ले रहे हैं। रिमेनिंग जो मेरे बचे हैं 12 मिलियन, इन लोगों ये तो डिस्काउंट लेंगे ही नहीं, तो ये डिस्काउंट नहीं लेंगे तो इनका तो क्रेडिट टर्म 73 डेज रहेगा। सो दैट इज 12 मिलियन × 73/365 × 12%, सो दैट मीन्स 288000। सो ये तो मेरा हो गया टोटल इंटरेस्ट का लॉस इस केस में। सो 288000 प्लस 26301, सो दैट मीन्स 314301, ये तो मेरा हो गया इंटरेस्ट लॉस। इसके अलावा मैं इन 8 मिलियन वालों को मैं क्या दे रहा हूँ, 2% डिस्काउंट, तो 8 मिलियन वालों को मैं 2% डिस्काउंट दूंगा, तो 8 मिलियन × 2%, तो 1,60,000 का मैं डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। तो मेरा इस केस में कितना लॉस हो रहा है, तो ये तो मेरा आ रहा है इंटरेस्ट लॉस और ये आ रहा है मेरा डिस्काउंट का लॉस। तो दिस इज 314301, सो दैट इज़ 4, कुछ गड़बड़ हो गई, रुको गाइस, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है मैंने, रुको मैं चेक करता हूँ दोबारा, देखते हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं टोटलिटी में चेक करता हूँ। तो टोटल जो मेरा यहाँ पे, टोटल जो मेरी यहाँ पे एक्सपेंस या लॉस आ रहा है, दैट इज़ 474301। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन चूज़ करता हूँ कि मैं 40% कस्टमर डिस्काउंट लेने को तैयार है, उनको डिस्काउंट दे दूंगा, और 60% को मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, उनको पूरा 73 डेज का क्रेडिट टर्म होगा, तो उस केस में मेरे को टोटल जो मेरा एक्सपेंस होगा वो इतना होगा। और अगर मैं क्रेडिट टर्म्स में ये चेंजेस नहीं करता, मैं कहता हूँ जो पुराना चल रहा है वही ठीक है, तो रिसीवेबल डेज मेरे आगे 73 डेज। अब इफ नो वन एक्सेप्ट डिस्काउंट, तो जो 4 मिलियन वाले थे उनका 12%, दैट मीन्स इतना मेरा हो जाएगा पूरा डिस्काउंट। या फिर अगर मैं इसका लॉजिक बताऊँ यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, 20 मिलियन। कुछ बच्चे सोच होंगे कि सर आपने डेज से तो मल्टीप्लाई किया नहीं, कोई बात नहीं, 20 मिलियन × rate/100 × 73/365, जो टोटल मेरी सेल होगी मैं कितनी डेज का क्रेडिट दूंगा, 73 डेज का, तो 20 मिलियन × 12% × 73/365, दिस इज 480। ठीक है, तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए अगर मैं क्रेडिट वाला डिस्काउंट ऑफर ही नहीं करता लोगों को, मैं कहता हूँ कि नहीं मैं तो डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो उस केस में मेरा जो टोटल एक्सपेंस होगा इट विल बी 480। और अगर मैं डिस्काउंट चूज़ करता हूँ कि 40% लोगों को मैं डिस्काउंट दे दूंगा, 60% तो डिस्काउंट वैसे भी लेने नहीं आएंगे, तो मेरा टोटल एक्सपेंस होगा 474301। तो देखा जाए तो यहाँ मेरा एक्सपेंस कम है, आई विल चूज़ टू गिव डिस्काउंट टू 40% ऑफ दी कस्टमर्स। तो शुड इट बी इंट्रोड्यूस, येस आई वुड से, अगर मेरा क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेनेशन का आता है, येस एज इफ वी चूज टू गिव डिस्काउंट टू 40% कस्टमर्स, देन वी एंड अप having the total cost is 474301, and if we does not choose to give discount then the total cost is this, so in this case we are getting a benefit of 480 minus 474301, so 5699, so 5699 is the benefit that I am getting, so in this case I will choose to give discounts to 40% of the customers। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है गाइज, तो सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से देखो समझो, कोई मुश्किल नहीं है, 2-3 बार खुद भी सॉल्व करो। आज की वीडियो में इतनी बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत है, तुम्हें काफ़ी चीज़ें लर्न करनी है, और ये दो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, तुम्हें लर्न करने हैं, तो बेटर है तुम वो चीज़ अच्छे से करो, इसके बाद तुम्हें मैं आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पूरी चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।